नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के भगिनी निवेदिता कॉलेज में जितने विड्रॉल्स हुए, शायद उतने मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में नहीं हुए। फिर भी इस कॉलेज में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं वो अपने कॉलेज को लेकर बहुत कुछ कहती हैं। ये इस कॉलेज की कुछ सीनियर छात्राएं हैं भगिनी निवेदिता कॉलेज की। आइए इनसे बात करते हैं कि बीते 2 साल का इनका कैसा अनुभव है और अपने कॉलेज को ये कहाँ देखती हैं। मेरा नाम सुहानी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा जो कोर्स है वो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस? यस सर। और अभी जो है वो आपने फर्स्ट ईयर पूरा किया है? हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है, हाँ। तो 1 साल का कैसा अनुभव रहा? 1 साल का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत अच्छी क्लासेस हमारी चली हैं, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब असाइनमेंट वगैरह जो भी हुआ है, अटेंडेंस सब में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। अगर हम असाइनमेंट लेट भी जमा करते हैं तो वो हेल्प करती हैं, हमारे रीज़न सुनती हैं कि हमने क्यों इतना लेट असाइनमेंट जमा किया, और वो लेती भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेट असाइनमेंट दे रहे हैं तो वो नहीं ले रहे हैं, वो पूछते हैं कि रीज़न क्या है। अगर हमारा रीज़न वैलिड है तो हमारे असाइनमेंट एक्सेप्ट भी करते हैं। भगिनी निवेदिता से इतने विड्रॉल्स क्यों होते हैं, कोई कारण लगता है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत लगता है कि लाइब्रेरी वगैरह, क्योंकि थोड़ी कम सुविधाएं हैं और बाकी सब ठीक है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। और जो आसपास का जो वातावरण है कभी, हाँ। जैसे गर्ल्स कॉलेज है और गांव का माहौल है तो कभी ईव टीजिंग है, इस तरह की कोई चीज़ तो देखने को नहीं मिलती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। बसें हमें मिली जाती हैं, 5-10 मिनट में पहुंचा देती हैं, और जैसे कॉलेज से निकलते हैं तो घर आने के लिए भी हमें बस मिल जाती है, और सामने वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है तो वहाँ पर पुलिस रहती है। हाय, मेरा नाम अश्विनी है, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम स्टडीड इन DU भगिनी निवेदिता कॉलेज। माय कोर्स नेम इज़ BCom प्रोग्राम। आई लव दिस कॉलेज, इट्स एनवायरमेंट इज़ वेरी नाइस फॉर मी एंड आल्सो द फैकल्टीज आर गुड। केरला जो है वो अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। हाँ, ग्रीनरी, हाँ। और आपके कॉलेज के आसपास भी ग्रीनरी बहुत है। या आई एम सो हैप्पी विद, कहीं ना कहीं एक सिमिलर फीलिंग आती है। हाँ, सिमिलर फीलिंग आती है, वो देयर इज मेनी स्क्विरल्स आर देयर एंड द बर्ड साउंड्स, आई जस्ट हैप्पी विद देयर इज नो पोल्यूशन एरिया, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट। ऐसा कभी नहीं लगता कि नॉर्थ कैंपस नहीं मिला सो वो मिलता ज़्यादा अच्छा रहता? नो, इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर मी, आई एम जस्ट हैप्पी विद दिस कॉलेज। आई एम ऑल डेज, आई एम जस्ट टू अप टू 12th, आई एम इन नवोदया, सो आई जस्ट गेट दिस ग्रीन एफेक्ट देयर। देन आल्सो आई जस्ट व्हेन आई एम इन कॉलेज, आई एम जस्ट थिंक सिमिलर नवोदया इफेक्ट इन देयर क्लासेस। हाँ, नवोदय का जो भी वातावरण होता है वो इसी तरह का होता है जो इस कॉलेज का है, वो भी बहुत बड़ा कैंपस होता है और खुला हुआ होता है। हाँ। तो यहाँ पर जैसे आपकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर होती है? ओ, प्रॉपर होती है। मेरा कोर्स डिपार्टमेंट इज वेरी अच्छा डिपार्टमेंट है। और वैक की कोर्सेज NEP 2020 में आया, तो उनकी क्लासेस भी अच्छी होती है? हाँ, अच्छी होती है, वो टीचर्स कॉपरेट है, टीचर्स गिव स्टडी मटेरियल फॉर अस। क्या बनने का लक्ष्य है आपका, व्हाट यू वांट टू बी? I want to become an IAS officer. Okay, all the best. Thank you. मेरा नाम उर्वशी है, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा कोर्स BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस न्यूट्रिशन है। MP से हैं आप? जी। और 1 साल हो गया आपको भी यहाँ पर? हाँ जी। तो इस 1 साल की जो इस कॉलेज में, भगिनी निवेदिता कॉलेज में आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही है, कॉलेज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती, टीचर्स भी सपोर्टिव है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बस मिल जाती है। और जैसे MP से आप हैं तो आपके पेरेंट्स ने यहाँ आपको छोड़ा हुआ है, आप पी जी में रहते हैं, तो कॉलेज से आते जाते कभी जो है वो कुछ छेड़खानी घटनाएं होना, कुछ ऐसी कुछ एक साल में? नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं लगा भी नहीं, कभी फील भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। फील नहीं होता? नहीं। तो MP और दिल्ली ये वातावरण एक सा लगता है आपको? नहीं, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत। और जैसे मान लिया कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉलेज का जो स्टाफ है वो आपके लिए खड़ा होता है? हाँ, जब भी जरूरत होती है वो कर देते हैं हेल्प, रिजॉल्व होता है। और जो क्लासेस हैं वो सुबह से लेकर कितने बजे तक चलती रहती हैं? 5 तक चलती है क्लासेस, शाम को 5 बजे तक। यस। तो 5 बजे के बाद फिर जैसे हल्का अंधेरा होना शुरू होता है, जैसे अब सर्दियों के दिन आ जाएंगे तो परेशानी तो नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ जो है जो अपने कॉलेज के बारे में आप बताना चाहती हो जो अच्छी हो? अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं टीचर्स, तुरंत आंसर्स करते हैं कोई भी उनसे क्वेश्चंस किया जाए तो। सिलेबस मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक जो है थोड़ा सा मतलब एट पार ना हो, हाँ, लेकिन टीचिंग अच्छी है जी, हेल्पफुल है। और सैक और बैक कोर्सेज की क्लासेस को लेकर कोई परेशानी हुई अभी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से जो है पढ़ाई अच्छे से, पूरे आपको ट्यूटोरियल्स मिले? हाँ।
आप क्या बनना चाहती हैं? UPSC करना अभी, मतलब IAS बनना चाहती जी? ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज शाहाना जेबिन फ्रॉम केरला। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बग्नी निवेदिता एंड माय कोर्स इज BA हिस्ट्री हॉनर्स। आई वांट टू टेल वन थिंग, दिस कॉलेज इज प्रोवाइड ए वेरी लो कॉस्ट अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ना यू कैन कंपेयर एनी कॉलेजेस, बट दिस कॉलेज ओनली प्रोवाइड लो कॉस्ट फॉर स्टडी मटीरियल। बहुत कम है या and this college, they are provide all materials and my course now, that sir is very very good. And right now I am the student of NSS and this is my first preference. You are also in NSS? Yes, I am the student of NSS. What is your lakshya kya hai aapka? I want to become IAS officer. You also want to? Yes, become IAS officer? Like your other classmates? Yeah, yes, it's my childhood ambition. Anything you want to tell about your college as far as the negativity, because there are so many things are moving in social media that this is the worst college of Delhi University. Yeah, I don't want to tell negative, because all colleges now they are provide positive side and the negative side. So you can study the low cost in our college, and they are also provide NSS and NCC and all clubs like a cultural and art and everything. At 10 point scale, where you your college exist? 10 point scale. I can't give a full because all colleges are provide negative and 10 out of 10? Nay, sir, it's a 8.59 between this. 8.5. Yes, sir. Okay. All the best. Thank you, sir. तो आपने सुनी भग्नी निवेदिता कॉलेज के इन सीनियर स्टूडेंट्स की राय, और इनका यही कहना है कि ये अपने कॉलेज से बहुत खुश हैं और जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत से भी हैं और दक्षिण भारत से भी हैं, और एक ये जो है बिल्कुल अनेकता में एकता के दर्शन हो रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।